हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ टॉप कुर्ती, एक टॉप का कटिंग कैसे करते हैं। टॉप के कटिंग करने के लिए मैंने पहले से ही कट किया हुआ है। अब मैं आपको 7 इंच का शोल्डर और 7.5 इंच का आर्म होल मैंने यहाँ पे लिया है और 10 इंच पर मैंने मार्क किया है और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। फिर हम कमर का माप लेंगे। कमर कमर मैंने 9.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन। मेरी लंबाई है 16 इंच, 16 इंच लंबाई है और 2 इंच का बेल्ट लगाना है। पहले मैंने बैक साइड का कटिंग किया है, फिर मैंने बैक साइड आगे की साइड कटिंग आगे की साइड रखकर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि मुझे दो प्लेट्स लगाना है दोनों साइड, इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। दोनों साइड मुझे ऐसे प्लेट्स लगाना है। फिर मैंने ओपन कर दिया। मैं 2.5 इंच पर मार्क करूँगी प्लेट्स लगाने के लिए। अब मैं प्लेट्स लगाऊंगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। दोनों साइड प्लेट्स लग गई है। अब मैंने 20 में से कट लगाया है फ्रंट साइड में, तो इसको जॉइंट करने के लिए मैंने 1.5 इंच पट्टी ली है। अब मैं एक साइड से थोड़ा सा रख के सिलाई मारूंगी। अब दूसरी साइड, फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कीजिएगा। फिर मैंने बुकरम में नेक का कटिंग किया है, तो नेक का कटिंग मैंने 3.5 इंच पर और लंबाई 6 इंच। फ्रंट साइड में और बैक साइड में 3 इंच की लंबाई। फिर मैंने बचे हुए कपड़े में इसको प्रेस किया है, फिर आधा आधा इंच रख के कट किया है। फिर मैं इसको सिलाई मारूंगी। ऐसे तीनों साइड सिलाई लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं सिलाई लगाऊंगी। सेम बैक साइड में भी है, ऐसे ही फ्रंट। फिर मैं फ्रंट साइड में नेक लगाऊंगी, बुकरम में किया हुआ है। पहले मैं बीच में सिलाई लगाऊंगी ताकि इधर उधर हिले ना। फिर मैं शुरुआत में लॉक लगाऊंगी, फिर निशान किए हुए पर सिलाई लगाऊंगी। फिर आधा इंच रखकर कट लगाऊंगी।
फिर छोटे छोटे कट लगाऊंगी। फिर इसको पलट दूंगी और प्रेस लगाऊंगी। प्रेस लगाने से फिनिशिंग अच्छा आता है, इसलिए प्रेस लगाना जरूरी है। अब मैं चेन लगाऊं। चेन लगाने के लिए मैंने इम्पोर्टेड चेन ली है। अब मैं चेन लगाने के लिए पहले बीच में से कट लगाऊंगी बैक साइड में। ये चेन को अब हम खोल लेंगे। पहले पहले एक साइड पर चेन लगाऊंगी। चेन को जिप भी कहते हैं, मालूम है मेरे को। और फिर दूसरी साइड लेंगी। दूसरी साइड पर पहले दोनों दोनों कपड़े हम सीधे साइड रखेंगे, सामने आमने सामने। और दूसरी साइड को हम नीचे से चेन लगाना चालू करेंगे। एक साइड ऊपर से और एक साइड नीचे से, और दोनों का कपड़ा आमने सामने आ जाएगा। आमने सामने रखकर ही हमें चेन लगानी है, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। लग गई ना चेन? कैसे लग रहे हैं प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अब हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। शोल्डर को ज्वाइन करने के लिए पहले मैंने बैक साइड में जो नेक बनाया वो पट्टी को बाहर की साइड रखा है, और फिर फ्रंट साइड में फ्रंट साइड को लगा ज्वाइन करने के बाद हम इसको ऐसे सामने रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फिर इसको खोल लेंगे। अब हम स्लीव्स को लगाएंगे। स्लीव्स की डिजाइन ऑलरेडी हमने पहले अगले वीडियो में डिजाइन बनाई ली है, अब आप पर जाइए और देख लेंगे। स्लीव्स मैंने प्लेट्स वाली बनाई है और मोहरी पे इलास्टिक लगाया हुआ है। स्लीव्स बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। प्लीज आप इस वीडियो को पहले देख ली फिर इसमें ज्वाइन करेगा। देखो हमारी स्लीव कैसी लग रही है। अब हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए मैंने 2 इंच मार्जिन लिया है, इसलिए 2 इंच पर ही मार्क करेंगे दोनों साइड 2 इंच। अब हम सिलाई लगाएंगे।
इसलिए उसमें क्रॉस में कटिंग सिलाई लगाएंगे। अब मैंने फिटिंग कर लिया है, अब मैं 3 इंच का बेल्ट रख के नीचे की साइड लगाऊंगी। बेल्ट लगाने के लिए नहीं, बेल्ट हमें उल्टा ही लगाना है, अब आगे की साइड पलटाना है। अब धार मारेंगे, मारेंगे मतलब लगाएंगे। बेल्ट को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके हाफ इंच जितना रख कर जो सिलाई हमने लगाई थी उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। हमारा ब्यूटीफुल टॉप रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। आपको ये टॉप अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए।